मनुष्य को जीवन में शिक्षा और प्रेम ये दोनों प्राप्त होते हैं माता पिता और गुरु से। किंतु मनुष्य सबसे अधिक प्रेम तो अपनी माता से ही करता है, क्योंकि माता बड़ी निर्मलता से, प्रेम से, सौम्यता से हमारे भीतर शक्ति का संचार करती है, हमें उत्साहित करती है, बलशाली बनाती है। अब ऐसा नहीं कि हम पिता और गुरु से प्रेम नहीं करते, उनसे भी हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, बस उनके कठोर व्यवहार से हमें थोड़ा भय लगता है। अब उनका ये कठोर व्यवहार स्वाभाविक नहीं परंतु आवश्यक है, क्योंकि माता से जो शक्ति हमें मिलती है वो कहीं नियंत्रित होकर विध्वंस न मचा दे, कहीं हमें कुमार्ग पर न ले जाए, कहीं हम दोषी न बन जाए। बस इसीलिए पिता और गुरु का ये व्यवहार थोड़ा कठोर होता है। अब ये बात उनका व्यवहार हम आगे जाके अवश्य समझते हैं। जीवन में कुछ वर्ष हमें आगे जाना पड़ता है तब हमें ज्ञात होता है कि पिता और गुरु हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, बस उनका ये प्रेम थोड़ा कटु होता है। आवश्यकता है तो ये देखने की, समझने की कि आरंभ से उनका व्यवहार हमारे प्रति कैसा था, उनकी डांट के पीछे उनके प्रेम को समझने का प्रयास कीजिए, उनकी चिंता को समझने का प्रयास कीजिए, उनके मार्गदर्शन के पीछे आपके भविष्य के लिए जो योजनाएं उन्होंने बनाई वो समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको समझ में आएगा उनका प्रेम क्या है। इस हृदय में अपने आप उनके लिए सम्मान भर जाएगा, अपने पिता और अपने गुरु दोनों के प्रति आभार व्यक्त करें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे।